कभी पोचिंग की, कभी जोर जो तो कभी मिलिट्री बेस, आज रेंगल गए हर कोने में कर देंगे गोलियों का शोर, पर ना होगा हमारे ऊपर कोई केस। यहाँ घूमते हैं काले जादूगर लेकर बोटनी का भेस, अगर आ गया कभी किल चोर को गुस्सा तो एक एम से वो खजाने वाली इतनी पेटियां चमका देगा कि खजाना बेच बेच कर करोड़पति हो जाएगा ये इरेंगल देश। चमकाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नफरत न करके दूर दिल तक साथ निभाइयो। एक बात बोलू तो कैसे हो रे बैटल ग्राउंड वाले भाइयों? तो भाई आज हम आए थे भाई मिलिट्री बेस, और आपको पता है कि हमने यहाँ पर पेटियां बहुत चमकाई, लेकिन हमारे ऊपर नहीं हुआ कभी भी कोई केस। वैसे हमारे इंटरनेट की भी यहाँ पर ऐसी तैसी हो गई होती। भाई किल्चर तुम बोलो तो इरेंगल में वाईफाई लगवा दे। अब मेरे पास भाई यहाँ पर जो है हेलमेट नहीं था, तो इस बंदे ने भाई मुझे ना चटर मटर के साथ बिल्कुल लाल बना दिया, और अब ऊपर से आ गया इसका रिश्तेदार भाई आगे। अब किस किस ने भाई बिल्कुल ध्यान से देखा, इन बंदों ने भाई स्मोक की जगह ना स्टन ग्रेनेड फेंका भाई अपने टीममेट के पास। क्या ही बंदे थे भाई ये। और लो भाई इसने और बिल्कुल लाल बना दिया। अब इसका एक बंदा सामने था भाई, और मेरी जो है हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम थी, ऊपर से भाई टोप्पा भी नहीं था, एक मारता ही और मैं यहाँ पर पेट पर हाथ लगाकर बैठ जाता। ये था। अब ये देखो भाई दिल चोर भाई जो ब्रोकन वॉल के पीछे खड़े थे, तो भाई आप खड़े मत रहा करो यार, ये जो है हेलमेट दिखता आपका, और अगर एक दो एमो लग गई ना भाई तो उसी में पेट में दर्द हो जाएगा आपके, तो ध्यान रखा करो। बेशक से हेल्थ हो जाए कम, खा कर देसी घी का चूरमा आ जाता है दम, फिर पेटिया ही पेटिया चमकती है, ना है हम खलनायक से कम। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि विंजो में आ गए हैं BGMI के फ्री कस्टम टूर्नामेंट्स। अगर आप BGMI अच्छे से खेल लेते हो तो आप फ्री कस्टम टूर्नामेंट ज्वाइन करके जीत सकते हो बहुत सारे पैसे। अगर आप किसी भी फ्री कस्टम टूर्नामेंट में चिकन निकाल लेते हो तो आप 500 रुपये तक जीत सकते हो, और मान लो अगर आप पहले ही टपक गए और आपकी रैंक 40 भी आती है तो भी आपको 4 रुपये मिलेंगे, और अगर आप ऐसे ही डेली फ्री कस्टम टूर्नामेंट्स खेलोगे तो आप बहुत सारे पैसे जीत पाओगे, और जीतते हुए पैसों को आप अपने सीधा पेटीएम या बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ डेली 3 गेम खेलते हो तो आप जीत सकते हो BGMI रॉयल पास, वो भी बिल्कुल फ्री। तो भाई इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहीं से जो है विंजो को डाउनलोड करो, खेलो और जीतो बहुत सारे पैसे। अब यहाँ पर भाई ये बंदे तो टपक गए थे, और इनका लास्ट बंदा भाई पता नहीं कहाँ था, तो हम जो है इनको ही लूट कर यहाँ से जो है निकल जाते हैं बंदे को ढूंढने के बाद, और इस साइड आता हूँ तो एक ये बोटनी की ननद का लड़का घूमने लग रहा था, तो भाई इसको भी लपेट देता हूँ। अब हमारे यहाँ पर किल हो गए थे 4, और फिर हम हो गए यहाँ से फरार। तो उन सबको टपका कर भाई हम आ जाते हैं पोचिंग की, और अब बिल्कुल ध्यान से देखना भाई हमारे साथ क्या हुआ। पोचिंग की सड़कों पर काले जादूगर की गोलियों का शोर, किल चोर का भी बन गया मोर। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इन बंदों को मिल क्या जाता है यार दूसरों का गेम खराब करके। अब ये नया अकाउंट बनाते हैं उसमें ये सब यूज करते हैं और दूसरों को टपकाते रहते, भाई क्या मिल जाता है यार, ना तो तुम्हारे फिर अकाउंट का लेवल बढ़ता ना कुछ, ये अकाउंट आपका बैन हो जाएगा आज नहीं तो कल, फिर क्या करोगे, फिर आप वही वैसे ही खेलना आपको। भाई अगर आपको खेलना सीखना है तो अच्छे से खेलते रहो भाई, आप सीख जाओगे एक ना एक दिन, ऐसे नहीं सीखोगे कि आप काला जादू यूज करके भाई खेलते रहोगे फिर आपकी आईडी बैन हो जाएगी, क्या यार कुछ भी नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं मजा आएगा भाई। आपको अपना एक अकाउंट बनाओ अच्छे से और उसमें ही अच्छे से खेलो। बाकी अभी हम आ गए थे भाई जोर जोर, हमारे टीममेट को भाई किसी और ने लपेट दिया था। हम का साड़ी बदला पूरा मातलू का पट्टा, तो उनको जो भाई पूरा फिनिश कर दिया था, इसलिए ये अपना गुस्सा उतारने लग रहे थे, और यहाँ पर भाई मैं पता नहीं कैसे अटकने लग रहा था यार, मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, तो इसको भाई मैंने भी पूरा लपेट दिया। और यहाँ पर जो है एक और भाई खतरनाक वाला बंदा आया हुआ था, उसे देखना।
तो पहले दिमाग की तरफ चलता हूँ और यहाँ पर ये वाला क्लच देखना भाई, बिना ब्रेक के दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। भाई किल्चर तुम दिल गार्डन गार्डन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने हेलमेट की भी स्कैन किया? अरे 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 हमसे टकराने आ गए ये बंदे तीन, हमने बजा दी इनकी बीन। तो तीनों के हो गया भाई पेट में दर्द, और इनका भी लास्ट वाला रिश्तेदार यहाँ पर नहीं था। तो ये देखो भाई कितने समझदार बंदे हैं भाई, तीनों के तीनों ऑफलाइन हो गए भाई, कोई भी नहीं हिल रहा था। तो ये होती है भाई समझदारी भाई, क्या ही बंदे थे। जैसे ही तीनों नोक हुए, तीनों बोल रहे होंगे आ जाओ भाई बैक आ जाओ, लास्ट वाला तो कहीं और होगा भाई गटका वटका में। तो इसलिए ये यहाँ पर भाई अपना हौसला हार जाते हैं। और ये देखो अब सामने से जो एक बंदा और आया, और मैं यहाँ पर ये दर्दों की दवाई खाकर निकल जाता हूँ। किलचोर नाम है अपना भाई, रंग लगे हर कोने मचाई है हमने तबाही। अब खुशी को गम मिल गया भाई, तो इसका नाम था खुशी और हमने इसको दे दिया गम। बाकी इस साइड से जो है फायर होने लग रही थी मेरे पर, वो भी सू सू करके। और जब ऐसे फायर होती है ना भाई, तो आप समझ जाया करो कि यहाँ पर काला जादूगर है जिसको आप दिखाई दे रहे हो, और वो आप पर फायर कर रहा है। अभी ये बंदा जो है भाई यहाँ पर जंप करने लग रहा था, तो भैया ऐसी गलती मत किया करो यार, बिल्कुल ओपन में मीटअप के लिए मत आया करो भाई कभी भी। अब यहाँ पर ये देखो ये भाई साहब जो मीटअप के लिए आया था, तो भाई ऐसे मत किया करो यार, हमें भी प्रॉब्लम होती है भाई। एक तो यहाँ पर और भी टीम थी, फिर भी भाई ये जो यहाँ पर जंप करने लग गया, ऊपर से इसके टीममेट को नहीं पता भाई, और मुझे मारने लग रहा है। तो ऐसी ऐसी गलतियां मत किया करो भाई। अब ये जो मीटअप के लिए आया था और इसके टीममेट भाई मुझे मारने लग गए थे, बाकी अभी वहां पर जंप करने लग गया था और उसको जो है किसी और ने मार दिया। और ये देखो ये आ गया था भैया बोटनी की ननंद का लड़का, मैं तो भाई इसको भी भाई बोट ही समझूंगा। तो ये वही काला जादूगर था भाई जो पहले सू सू कर रहा था। अब इसकी केडी का मैं तो भैया आप ये मत सोचना कि ये काला जादूगर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डेड डेड केडी के भी काले जादूगर देखे हैं भाई हमने। तो इसको भी मैंने रिपोर्ट मार दिया था। बाकी भैया ऐसे मीटअप मत किया करो यार ओपन में, और जब तो भाई बिल्कुल भी मत किया करो तब कोई हो, और वैसे तो किया ही मत करो भाई, आईडी बैन पड़ती है। इसलिए भाई आप मार दिया करो भाई मुझे अगर मिलूं तो मैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसका अकाउंट था 15 लेवल का, और फिर हम आ जाते हैं भाई मिलिट्री बेस द्वारा फिर से। तो वहां पर तो हम टपक गए थे मीटअप के चक्कर में, ऊपर से भाई मेरे एक दो किलो और निकल गए हाथ से। भाई किल्चर तुम बस पेटियां चमकाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बदतमीज लड़का, कपड़े तो पहन लिया करो। अब यहाँ पर भाई दो बंदों को तो मैं लपेट देता हूँ, और इस पूरी बिल्डिंग में ना भाई हमें बस यही गन मिली थी, और सोलो क्वीन को भाई एक भी गन नहीं मिली। तो कहाँ की कवि ना भाई, ये भिखारी बन गई भाई आज। अब इनके पास कुछ भी नहीं था, और इनके पीछे लग गया भैया एक बंदा, और ये देखो भाई साहब गेट के पीछे लो भाई। तो इस भाई के पास भी बस चटर मटर थी, कुछ खास नहीं थी। और उस साइड एक बोटनी की बुआ का लड़का आ गया, और इसको मैं मारने लग रहा था, तो भाई गया एक किल हाथ से भाई। अब क्या करे, हमें तो फर्क पड़ता है इस बात से। बाकी उसको नोक करके मैं इसको पूरा मारने लग जाता हूँ, और ये देखो इनको ही भाई यही पूरा फिनिश करना था। तो एक किल और निकल गया भैया हाथ से, और हमें फर्क पड़ता है इस बात से। वैसे मैं सभी को माफ कर दूंगा भाई जिंदगी में, लेकिन उनको कभी भी माफ नहीं करूं जो किल चोर के भी किल चोरी कर ले। अभी इस बोटनी की बुआ के लड़के को भाई मैं ही लपेट देता हूं, और एक ऊपर की तरफ था तो इसको भी भाई टपका देता हूं। वैसे सभी के नाम भाई ऐसे थे, मिस्टर डायनमिक डायनमो। अब यहाँ पर जो है मैं इसको लूटने के लिए जाता हूँ भाई, मेरे पास अच्छी सी गन नहीं थी। तो इस बोटनी की बुआ के लड़के पास भी ना भाई मस्त गन थी M4, और अब ऊपर बंदे थे भैया तीन। तो अब देखना इनकी कैसे बजाते हैं बीन।
किया। ठीक हो गए कित बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भाई ये दो ही बंदे मिले थे भाई, तो इनको तो लपेट दिया। और जो इसका नीचे वाला बंदा था ना, इसको देखो भाई कहाँ छिपा हुआ था भाई साहब, गेट के पीछे बैठा था कुंडली मुंडली मार के, तो इसकी पेटी बन गई है यहीं पर। तो अब निकलते यहाँ से, तो राइट में भी बंदे थे और इस बिल्डिंग में भी बंदे थे, तो भाई सोचा कि पहले इनको ही टपका लेते। रुको ना, और ये देखो भाई इन बंदों ने जो ऊपर कैंप कर लिया था, और जब ऐसे बंदे कैंप कर लेना भाई, तो वहां पर घुसना ना बिल्कुल, ये समझ लो कि पेटी चमकेगी चमकेगी भाई, अपनी पेटी को दावत देना है। तो इसलिए भाई मैं ऊपर नहीं घुस रहा था, क्या पता इन आगे दोनों में एक एक बंदा और राइट में भी छिपे हो, तो भाई फिर तो जरूर पेटी चमकेगी। जब एक को मारने के लिए जाते ना, फिर सभी के सभी निकल कर आ जाते और चमका देते भाई पेटी। अब इन बंदों की भाई लोकेशन का भी नहीं पता था कि कौन कहां पर छिपा है, तो इनको टपकाने का बस एक ही तरीका था, मोली। अब यहाँ पर वही आते ही हमने जो है 10 की पेटियां चमका दी थी। और ये देखो भाई बंदे भी ना बहुत ज्यादा बचे थे भाई, तो आधे से भी ज्यादा बंदे बचे हुए थे और 10 हो गए थे हमारे किल। तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया था। लेकिन भाई अब ये देखो इस साइड भी बंदे थे जिन्हें मैं देखता हूँ, लेकिन वहां पर तो कोई नहीं दिखा। लेकिन भाई एक बंदा जो है मुझे टावर पे दिखा। अब इस बंदे ने भाई हमारे टीममेट को कर दिया भैया स्नाइपर से नोक, और इसके बाकी बंदे थे सामने। अब एक को तो भाई मैं नोक कर देता हूँ, लेकिन भाई मेरी हेल्थ जो बहुत ज्यादा कम रह गई थी और मैं यहाँ पर टपक गया। तो उम्मीद आपको आज की इस गेम प्ले वीडियो में भाई 10-15 हजार किलो मजा आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किल चोर मचाएगा तब आई।